तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो जितने भी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन है ना, इनके अंदर भाई जब भी आप लोग कोई ओल्ड वर्जन का एपीके लेकर के आते हो और इंस्टॉल करते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन दे दी जाती है। आपसे बोला जाता है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड, और आपसे ये भी बताया जाता है कि ये जो एपीके आप लोग लेकर के आए हो ना, ये आपके फ़ोन के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। ये एक ओल्ड वर्जन का एपीके है और आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो आज मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो ओल्ड वर्जन के एपीकेज है ना, आप लोग अपने लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और ये जो पूरा मेथड है ना, इसको मैं जल्दी जल्दी आपको करके बता दूंगा, बट इसके पीछे एक इन डिटेल बहुत ही अच्छी थ्योरी है। इसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक कवर कर रखा है। अगर आपको इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड नॉलेज लेनी है कि एग्जैक्टली ये एरर आता क्यों है, तो भाई आप लोगों को क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, आप लोग जाओ उस वीडियो को ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में भले ही आपको ऐसा लगेगा कि यार टॉपिक दूसरा बता रहा है, बट प्लीज़ अगर नॉलेज चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखना और आपको बहुत ही गजब की नॉलेज मिलने वाली है। आपको इन डिटेल में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस एरर के आने का कारण क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिक्स करते हैं इस एरर को। अब आपको देखो इस एरर को फिक्स करने के लिए ना दो स्टेप लेने, सिंपल से दो स्टेप लोगे ये एरर खत्म। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है शिज़ुकू को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना। बहुत सारे लोग इस स्टेप में फंसेंगे। अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि भाई ये शिज़ुकू क्या है और इसको मैं कैसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो चिंता ना करो, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा थंबनेल और इस वीडियो की जो लिंक है ये आई बटन के ऊपर भी आ रही है और इस वीडियो की लिंक मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, दोनों जगह पे लिंक है। तो जाओ सबसे पहले शिज़ुकू को अपने फ़ोन में बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करके रनिंग मोड में ले आओ और तब इस वीडियो में आना। अगर तुम्हारा शिज़ुकू, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरे में शिज़ुकू रनिंग मोड में है। अगर तुम्हारा शिज़ुकू रनिंग मोड में नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो मेरा शिज़ुकू यहाँ पे रनिंग मोड में है ना, और यहाँ पे कोई भी लाल कलर का एरर नहीं आ रहा। अगर तुम्हारा शिज़ुकू रनिंग मोड में है और लाल कलर का एरर आ रहा, तो भी भाई मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं कि कैसे उसे फिक्स कर सकते हैं। तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले शिज़ुकू को भाई रनिंग मोड में लेके आना है, और जो भी लाल कलर का नीचे अगर कोई एरर आए तुम्हारे फ़ोन में, तो उसको प्लीज़ सबसे पहले फिक्स करके आओ। जैसा मेरा इंटरफेस दिख रहा है ना, सेम टू सेम ऐसा क्लीन इंटरफेस जब तुम लोगों का दिखने लगेगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा शिज़ुकू इज रनिंग, तब तुम लोग तैयार हो गए स्टेप नंबर टू के ऊपर बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले भाई स्टेप नंबर वन को प्लीज 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 जल्दी से कंप्लीट करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों ने स्टेप नंबर वन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर टू पे। अभी देखो शिज़ुकू जब तुम्हारा रनिंग मोड में है ना, तब तुम लोगों को एक खास एपीके डाउनलोड करनी है। वो एपीके तुम्हारी हेल्प करेगा लो एंड्रॉयड डिवाइस वाले, ये जो एपीके है ना ओल्ड वर्जन वाले, इनको इंस्टॉल करने में। अभी आपको मैं दिखाता हूँ वो एपीके कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, गूगल के ऊपर चले जाना है। ठीक है, गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको लिखना है इंस्टॉल विथ ऑप्शंस। क्या लिखना है, इंस्टॉल विथ ऑप्शंस, और इसके आगे आप गिटहब भी लगा सकते हो या गिटहब भी लिख सकते हो। आपको ये जो गिटहब की वेबसाइट है ये मिल जाएगी। ठीक है, इसको सिंपल से ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में आप लोग चले जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो रिलीज का सेक्शन है। आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो भी लेटेस्ट रिलीज है ना, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पे एक एपीके की लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, एपीके आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे ये रहा वो एपीके। मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। यही वो एपीके है जो आपके ओल्ड वर्जन के एपीकेस को इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करने वाला है। तो भाई याद रखना, सबसे पहला स्टेप है शिज़ुकू को सही से रन करना। अगर शिज़ुकू में कोई भी गड़बड़ाई, कोई भी लाल कलर का एरर है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सेकंड स्टेप मत करना, क्योंकि सेकंड स्टेप होगा ही नहीं बिना शिज़ुकू के। ठीक है, सिंपल से मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शिज़ुकू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने ओपन किया, तुरंत इसने बोला कि भैया मुझे शिज़ुकू की परमिशन दो, तभी मैं काम करूंगा। तो भाई प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, शिज़ुकू को सही से सेटअप किए बगैर आगे मत बढ़ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल से अलाउ ऑल द टाइम कर दिया। ठीक है, अलाउ ऑल द टाइम हो गया। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बार टेस्ट करा दे रहा हूँ कि भाई मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सही में आपको ओल्ड वर्जन के एपीकेस को इंस्टॉल करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, दो एपीके, सबसे पहले ये जो गेम गार्डियन है, अगर इसको मैं नॉर्मल इंस्टॉल करता हूँ ना, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इंस्टॉल मैंने दबाया और ये किस फोल्डर में रखा है ये भी देख लो, SDK बाईपास टेस्ट।
ठीक है, इस फोल्डर में रखा है और ये बोल रहा है कि कंपैटिबल नहीं है। ठीक, चलो एक ही एपीके हो गया, एक पेलोड नाम से एपीके है, ठीक है, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। और ध्यान से देखना, इसमें भी वही दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल एनीवे करता हूँ, और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कंपैटिबल नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से इसी ऐप के ऊपर आपको जाना है, ठीक है, इस ऐप को आपने ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, चूज फाइल, ठीक है, जो भी एपीके को आपको इंस्टॉल करना है उसको चूज करना है, ठीक है। मैंने सिंपल से इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करके मैं चला जाता हूँ बाहर, और बाहर पे आपको मैंने दिखाया था ना वो फोल्डर का नाम SDK बाईपास टेस्ट। सबसे पहले ये जो गेम गार्डियन वाला एपीके, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद क्या है, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे बहुत सारे भाई चेक मार्क्स हैं, आपको इनमें क्या करना है, चेक करना है, किसको चेक करना है, बाईपास लोड टारगेट SDK ब्लॉक, ये चीज आपको भाई याद से टिक करनी है, वरना काम नहीं बनेगा, ठीक है। हम लोग सिंपल से इसके ऊपर टिक कर देंगे और इसको कर देंगे इंस्टॉल, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना, और यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों को यहाँ पे गेम गार्डियन का APK देखने को मिलेगा। मैं ओपन करूंगा तो ये ओपन भी होगा, कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये लोग बता रहे हैं कि ये जो APK आपने इंस्टॉल कर लिया है ना, जबरदस्ती आपने डाल लिया है, ये APK ओल्ड वर्जन का है, और हो सकता है आपके फोन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या फिर आपके फोन में सही से चले ना, क्योंकि भाई एंड्रॉयड इसी वजह से APK को ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि वो काफी ओल्ड है, वो अपडेटेड नहीं है लेटेस्ट एंड्रॉयड के हिसाब से, ठीक है। बट आपको चाहिए था तो चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल होकर रन भी हो गया। अभी मैं आपको दूसरा APK भी इंस्टॉल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। और यहाँ से वापस से चूज फाइल पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा पेलोड APK, ठीक है। यहाँ पे दो चूज फाइल हो गई हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कट कर दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों APK को इसने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने वापस से ओपन किया और चूज फाइल के ऊपर गया मैं, पेलोड APK को मैंने लगाया, और वन है, एक ही फाइल को हमने चूज किया है, और यहाँ पे बाईपास लोड टारगेट SDK ब्लॉक है, हम लोग इसको टिक रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये टिक रहेगा और हम लोग सिंपल से अब करेंगे इंस्टॉल, और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे वापस से ये बोल रहा है अनसेफ ऐप, ठीक है, चलो ये तो पहले भी बोला था, हम लोग इंस्टॉल एनीवे करते हैं। और यहाँ पे देख पाओगे बूम बाम, इस बार हमारी इंस्टॉलेशन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गई। मैं सिंपल से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये सारी परमिशंस भी मांग रहा है। चलो, आई होप सो कि आप लोगों को भाई ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपने इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और मेरे चैनल पे इसी टाइप की वीडियोस का खजाना भाई भरा पड़ा है, आप लोग जा करके चेकआउट भी कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।